Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So, go and book your tickets online from booketnow.pk. Now. दाल में कुछ काला जरूर है जो लोगों को नजर आ रहा है। अगर किसी से शादी का इनकार करना कसूर है तो मैं कसूरवार हूँ सर, मैंने इनकार किया था शादी से। कि जो चौधरी टाइप के लोग होते हैं ना, वो ऐसे इश्यूज टॉलरेट ही नहीं। टॉलरेट भी करना होगा और परवाह भी करनी होगी बेगम साहिबा, सूबे के होम सेक्रेटरी का बेटा है वो, और अगर इतनी सी गजन भी पहुंची ना उसे, आप हैंडल नहीं कर सकेंगे। कहाँ है, कहाँ पहुंचा है ये तुम्हारा भाई? मेरे पास है, मुझे तो तुम जानती हो ना। खुदा हाफिज, टेक केयर। नहीं, बड़ी सरकारी मशीनरी एक वजाहत चौधरी के धमकी के आगे फेल हो गई। क्या बेटी को कुर्बान कर दूं? इसका मतलब है आप अपने बेटे पे फातिहा पढ़ चुके, कितने पत्थर दिल है आप। हाजरा पुत्र, निकाह की गवाही के लिए आए हम। हाजरा इलियास बिनत हाफिज इलियास, आपको शायान मलिक फरजंद मुर्तजा मलिक बेवस 5,00,000 रुपए हक बैर सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल। हाजरा इलियास बिनत हाफिज इलियास, आपको शायान मलिक फरजंद मुर्तजा मलिक बेवस 5,00,000 रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल। हाजरा इलियास बिनत हाफिज इलियास, आपको शायान मलिक फरजंद मुर्तजा मलिक बेवस 5,00,000 रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है। बोल पुत्री, डर मत। कबूल। मुबारक हो भाभी इलियास, बहुत बहुत मुबारक। खैर, मुबारक। आओ बस। हौसला कर सुलेखा, हौसला कर। बहुत बहुत मुबारक हो जी। नबी बरखुदार, बड़ी मुबारक हो आपको। इलियास भाई, बड़ी मुबारक हो आपको। अल्लाह नसीब चल गया करे तुम। खास साहब, मुबारक हो। ठीक हो गया। अच्छा, हुण सब रोटी खा के जाना है। हमारा यार है परेशान। सलामत रहो, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं इस मौके पे क्या कहूं। सारी जिंदगी आपने जिस लम्हे के बारे में सोचा वो यूं अचानक सामने आ जाए,
तो मेरी जैसी ही हालत होती है। मैं ये सब चाहता था लेकिन तुम्हारे कंसेंट, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी रजा के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने अब्बा की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मेरी अपनी रजा, अपनी मर्जी शामिल है। कहाँ हो शानी? आजरा के पास। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है बेटा। और आप? मैंने तकदीर के फैसले पे सब्र कर लिया बेटा पर वो तदबीर की उलझनों में उलझे रहते हैं। यहां भी तकदीर ने एक नया टर्न लिया है। मैं क्या क्या कह रहे हो बेटा तुम? मैंने हमने निकाह कर लिया। शायद अम्मी मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ, आपको थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ। हाँ मैं कॉल कर रहा हूँ। हेलो। बड़ी बेताबी से मेरे फोन का इंतजार हो रहा होगा ना? वैसे ही जैसे पहले पूरी पूरी रात बात हुआ करती थी मेरी और तुम्हारी। जवाद की कंडीशन कैसी है? उसकी कंडीशन कंडीशनल है बेबी, तुम्हारे ऑपरेशन पे डिपेंड करता। ऑपरेशन मतलब? मिलो ना। मिलोगे तो बताऊंगा ना मेरी जान। कुछ चाहिए? कुछ खाना है? पानी पी ले। वहां जाओ। नहीं पी ले। किस इम्तिहान में डाल दिया आप? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बेटे का शोक मनाऊं या बेटी की खुशी में मिठाई बांटूं? सारा मोहल्ला उमड़ पड़ेगा, कैसे छुपाऊं ये बात? कैसे चेहरे पे मुस्कुराहट लाकर निकाह की असल वजह को छुपाऊं इन लोगों से? मुझे यहां से कहीं ले जाए आपके साथ, मैं और नहीं संभाल सकती। मुझे ऐसी जगह ले जाए जहां मैं खुलकर रो सकूं, अपना दुख रो सकूं। सलाहकार अबा जी, फोन आया था उसका। कहते हैं मिलो।
मैंने तुम्हें कहा था ना किसी को साथ मत लेकर। मैं किसी को साथ नहीं लेकर आई, ये मुझे अपने साथ लाया। जब तुम किसी की बीवी को बुलाओगे तो उसका शौहर तो आएगा ना पूछने के लिए। शौहर? अच्छा, उस तरह का शौहर जिस तरह का मैं इसका शौहर यूनिवर्सिटी में बना। मैंने तुम्हारी तरह कभी झूठे रिश्ते नहीं बनाए। तो इसका मतलब है निकाह हो गया है। मुबारक 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 मुबारक, कांग्रेचुलेशंस ब्रो। तो कोई पिक्चर वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल नहीं की? आप तो वीडियोस लगाती रहती है ना, सोशल मीडिया क्वीन हाजरा इलियास। शादी वायरल नहीं करनी? नहीं, अगर नहीं हो सके किसी वजह से तो मुझे बताओ, मेरे कुछ जानने वाले हैं, मैं करवा देता हूँ। तुमने जो बात करने के लिए बुलाया है वो करो। तुमसे क्यों करूं, क्यों करूं तुमसे? हाँ, और ये जो तुम शौहर का बैज सामने सजा के मेरे सामने आके मुझे दिखा रहे हो, मुझे कुछ बताना चाह रहे हो, किसी और को दिखाओ। और तुम्हें क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है कि मैं तुमसे रेहान चौधरी शादी करेगा? तुम अब लड़की नहीं रही, तुम इश्तिहार हो, बिल बोर्ड हो तुम। मैं तुमसे शादी करूंगा? ऐसा हो नहीं सकता कि मुझ जैसा इज्जतदार रेहान चौधरी, ऐसी लड़की जो दो टके का गुल्लू। शट अप। इजी, आहिस्ता, पब्लिक प्लेस है, क्यों शोर मचा रहे हो यार? ये तो तुम्हारी नहीं, बीवी है तुम्हारी। चायान, बोलने दो, बोलने दो से। बोलो बोलो, जितना बोलना है बोलो, करनी है जितनी बेइज्जती करनी है दिखाओ अपनी मजीद औकात। तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में है, मेरे पास है। अगर चाहती हो कि वो सही सलामत तुम्हें मिल जाए, मतलब घर आए, तुम लोग के साथ रहे, हंसे खेले खाए पिए, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। जितनी तुमने मेरी जग हसाई की है, मेरी इज्जत का तमाशा बनाया है ना, वो सारी की सारी इज्जत तुम मुझे वापस करोगी, करनी पड़ेगी तुम्हें। भाई चाहिए ना अपना। क्या कह के गया ये मेरा भाई? जवाब अच्छा, फिर शर्त क्या रखी उसने? अब जी उसने शर्त ये रखी है कि बोल पुत्री, बोल ना हाजरा। हेलो। हाँ पुत्र, शर्त ये है कि अब हाजरा की तरफ से एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें वो शायान के साथ बैठकर पूरी दुनिया के सामने ऐलान करेगी कि पहले तो उसने रेहान की मोहब्बत में नाकाम होकर खुद को कैंचियाँ मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की और फिर उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसके ऊपर झूठा मुकदमा बना दिया। वेयरएज रेहान इस पूरे मामले में बिल्कुल बेकसूर है, बल्कि रेहान के कहने पर उसके दोस्त शायान ने उसे सहारा दिया और अब वो
रेहान को परेशान और बदनाम करने के माफी मांग रही है। Dad, I'm sure you like it. मेरा वजह मैं परेशान होता फिर आप रिलैक्स। क्या कहा है हाजरा ने? हाफिज साहब मैं आपसे पूछ रही हूं। बस सवाल आ रहा खुद बदबख्त ने जो कालक अपने मुंह पे मली हुई है ना वो हमारी हाजरा के हाथों से साफ करवाना चाह रहा है बेशरम इंसान। चलो मैं घर नहीं जा सकती। मैं मुझसे जाया नहीं जाएगा घर में ये बकवास में वहां रिकॉर्ड नहीं करवा सकती। तुम क्या वाकई बकवास रिकॉर्ड करने का सोच रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और क्या ऑप्शन है मेरे पास? क्या ऑप्शन है मेरे पास और इसके अलावा बताओ? जवाद वहां है, उनके पास है। एक और ऑप्शन है। शानी, हाजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुखी रहो, सलामत रहो मेरे बच्चों। कैसे हो बेटा? बचपना, वही बचपना। आज मुझे वो खिलौना याद आ रहा है। याद है तुम्हें वो तुम और रेहान छोटे होते थे तो वो धींगा मुश्ती कर रहे थे किसी खिलौने के लिए, तो मैंने तुम्हें चपत मारी थी या थप्पड़ मारा था? हाँ थप्पड़ मारा था मैंने तुम्हें और वो खिलौना तुमसे लेकर उसको दे दिया था, याद है? But of all the years, तुम आज भी वही कुछ कर रहे हो। लेकिन अफसोस शाहान मलिक, जो मैंने उस दिन किया था वो मैं आज नहीं कर सकता। Because you're taller than me. You're a grown up. So please don't try, don't test my patience. और लेके चले जाओ इसको यहां से, प्लीज। एक मिनट। आज मैं आपको आपका खिलौना वापस करने आया हूं। मुझे आपकी डील मंजूर है। शर्त नंबर एक, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। शर्त नंबर दो, मैं पूरी डेडिकेशन के साथ एग्जाम्स की तैयारी करूंगा जैसा आप चाहते हैं। और शर्त नंबर तीन, इस निकाह के बावजूद हाजरा से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, लेकिन इस सब के बदले आपको हाजरा का भाई उसे वापस दिलाना होगा जो रेहान के कब्जे में। कहिए आपको डील मंजूर है? सॉरी, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। आप मेरा भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको जमानत देती हूं कि आपकी तीनों शर्तें पूरी करेगा।
शान तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। क्या मतलब? मैं अकेली चली जाऊंगी। Come on. हाँ, हम यहीं से शुरू करते हैं। इस बार ये जुदाई मेरी चॉइस है ना, तो मुझ पे रहने दो। कैसे, कब और कहाँ से शुरू कर? ये जुदाई नहीं है शायद, यहां से तो हम मिल रहे हैं हमेशा के लिए। एक बात बताओ, औरत की सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसकी इज्जत होती है। तुमने मेरी सारी जिंदगी भर की इज्जत मेरी झोली में ला के डाल दी, मुझे और क्या चाहिए? तुम इस डिसीजन पे अकेली अपने घर वालों को फेस करोगी? मैं सब कुछ अकेली फेस कर सकती हूँ, सब कुछ, सिवाय उस जलालत के जो रेहान मुझसे करवाना चाहता है, और उसे सिर्फ तुम संभाल सकते हो। अच्छे से रहना, सब शर्तें पूरी करनी। अगर मुझे जाते हुए नहीं देख सकते तो मुंह उधर कर लो। शायान कहाँ है? अपने घर रहे बजी। वो तो छोड़ आया था। हाँ, लेकिन अब वो उसने मुझे छोड़ दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? वक्त आने पर यही करना था उसने। इस बदनामी के बोझ को कैसे उठाता? इस बदनामी का सारा बोझ वो अकेला ही उठा रहा है अम्मा। अम्मा जी, मैंने उसके वालिद साहब से एक डील की है, बात की है मैंने, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे थे कि तुम लोग परेशान नहीं हो, अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो भी नहीं बनानी पड़ेगी अब्बा जी, आपका बेटा निकाल लाएंगे वो वहाँ से, और इसके बदले में उनका बेटा लौटा दिया मैंने। क्या मतलब है? उसने तुम्हें तला? नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। मैं सारी जिंदगी उसके नाम पे गुजारूं। अजीब लड़की है,
सारे फैसले आप पे ही करी जाती। आइए आइए मलिक साहब, आज हमारे गरीब खाने का रास्ता कैसे भूल पड़े। मैं इसलिए आया हूँ कि आपको दोबारा मेरे घर ना आना पड़े। क्या सियासतदानों की तरह हम एक दूसरे को झूठी धमकियां दे रहे हैं? हम दोनों प्रैक्टिकल लोग हैं, काम की बात करें। काम की बात, बंदा वापस चाहिए। जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं वो बंदा मेरे पास नहीं है। देखिए मैम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि कल को मुझे आपके बेटे से सवाल करना पड़े, क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी जब कल को आपको अपना बंदा मेरे से लेने के लिए आना होगा। उसने ये बंदा तावान के लिए नहीं उठाया, कुछ कर्जा है, वसूल हो जाएगा, बंदा वापस मिल। कर्जा किसी और तरह भी वसूल हो सकता, बहुत ऊपर से ऑर्डर आए हैं और बहुत सख्त। कितनी ऊपर से जी? कितने ऊपर से? इतनी ऊपर से कि आपकी पहुंच से भी बाहर। मलिक साहब, चौधरी साहब गंडेरियां नहीं बेचते, गन्ना बेचते। गन्ना जिनसे शुगर मिलें चलती हैं उनकी, वो जो ऊपर बैठे हैं। शुगर मिले तो चलती रहेंगी। खैर, मेरा काम आपको समझाना था। कल तक वो बंदा वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे चौधरी साहब को यहां से उठाना पड़ेगा। जस्ट वही टू टेल यू। चौधरी साहब से क्या इश्यू चल रहा है आपका? मेरा कुछ नहीं चल रहा सर, किसी बच्चे को उठा लिया उन्होंने तो कंप्लेंट आई। एफआईआर शेफआईआर तो हुई कोई नहीं, कंप्लेंट कहाँ से आई है? कुछ नाम बताए नहीं जा सकते सर। अरे क्यों, मुल्की सलामती का मामला है? कुछ मैटर्स हमारी सलामती के भी होते हैं सर। और कुछ मैटर्स हमारी सलामती के भी होते हैं मलिक साहब, हमारी हुकूमत गिर सकती है इस लड़के की वजह से। चौधरी साहब ने अगर हाथ खींच लिया तो रौला पड़ जाना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, हुकूमतें तो गिरती बनती रहती हैं सर, लेकिन नाइंसाफियों से मुल्क टूट जाते हैं। कि आप किसको बता रहे हैं जनाब? यहां पे मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है। आप सीधी सीधी बात कीजिए। सीधी बात यह है सर कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वी हैव टू फॉलो द रूल्स, हम तो रूल्स फॉलो करते हैं सर। हाँ, तो वो गुल्लू बादशाह के केस में आपके रूल्स को क्या हुआ था जनाब? गुल्लू एक दाग था सर, धोना था किसी ना किसी को। यहां तो हमारे फ्यूचर का सवाल है। मलिक साहब रहने दे, जो टोपियां हम लोगों को करवाते हैं आप मुझे मत करवाएं। सीधी सीधी बात करें। चौधरी साहब को समझाएं सर, वो ठीक नहीं कर रहे।
आप अपनी बहू को क्यों नहीं समझाते कि वो लोगों की इज्जतें उछालना बंद कर दे? मैंने एक्शन लेने का फैसला कर लिया सर, और मैं एक्शन ले चुका हूं। यह है आपकी समरी और इसे मैं खुद चीफ मिनिस्टर के पास आज ही लेकर जा रहा हूं। आपको आपके ट्रांसफर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और तब तक कोई एक्शन लेने की बजाय आप अपना सामान पैक कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम सर, बट समबडी हैज टू फॉलो द रूल्स। एज यू विश। थैंक्स फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया। दो चार दिन रहने देते बेटा, हो जाएगा ये सब कुछ। वादा किया मैंने उससे। निभा सकोगे अपना ये वादा? जी हाँ, क्योंकि इस बार मैं गिल्टी नहीं हूं। जब वो चाहती है कि मैं उसे इस तरह प्यार करूं तो कर रहा हूं अपना काम। एक कप चाय बना दो मुझे रास्ता। I'm sorry बेटा, मैं अपनी शर्त पूरी नहीं कर सका। You're not bound के बाद भी आप मुझे इस सिस्टम में झोंक देना चाहते हैं? क्या बेईमानी आसान, ईमानदारी मुश्किल? जब तक आप यस मैन हैं तो आप हीरो हैं। और फिर मैंने कहा ना, तुम आजाद हो, जैसे चाहो जो चाहो करो। फिर क्या? आप क्या सोच रही हो? सोचना तो तुमने शायान, बहुत लंबी रसवाई है। उठा सकोगे इसका बोझ मेरे साथ? उठा लूंगा। सारी जिंदगी सफाइयां पेश करनी पड़ेंगी लोगों को। अच्छा, किसी की परवाह नहीं है सफाई तुम्हारे।
अफसोस तो मुझे इस बात का है कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद भी मैं खुद को नहीं बचा सकी। खुद को तसल्लियां देना बहुत आसान है, दूसरों को सफाई पेश करना बहुत मुश्किल। हम कर लेंगे, हम मिलकर सबका मुकाबला कर लेंगे। वो तुम्हें पता है ना, लोगों की याददाश्त बहुत कम होती है, वो भूल जाएंगे सब कुछ। ये बात सिर्फ एक हाजरा की नहीं है, कल को कोई और हाजरा होगी, कौन करेगा उसका यकीन? कहेंगे झूठ बोल रही है इसकी तरह। कैसी हो डार्लिंग? होप यू डूइंग गुड। सेक्रेटरी साहब की तो कुर्सी खींच ली तुमने, और किसकी कुर्सी खींचने का प्लान है तुम्हारा? सुनो, जितनी जल्दी हो सकता है वीडियो अपलोड कर दो, कहीं ये ना हो कि मैं तुम्हारे भाई को एम्बुलेंस में लोड कर दो। टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव। हाथ मत लगाना जवाद को, हाथ मत लगाना प्लीज। मैं भेज रही हूँ तुम्हें, मैं कर रही हूँ। मैं जवाद, मुबारक हो, तुम्हारी बहन की नई वीडियो अपलोड होने वाली है।